दिशाहीन है वह समाज जो अपनी नई पीढ़ी को नई दिशा प्रदान नहीं करता, नई सोच और नई धारा के साथ आगे बढ़ रही हमारी नई पीढ़ी को नई दिशा देते हुए आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं नई दृष्टि। नई दृष्टि के इस कार्यक्रम में चलिए आप लोगों को महात्मा गांधी संस्थान के सुंदर आंगन में ले चलते हैं और पाणिनि भाषा प्रयोगशाला में आपका सैर कराते हैं। MGI की हिंदी भाषा प्रयोगशाला इस साल विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 के अवसर पर भारत के विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। यह एक हाईटेक लैबोरेटरी है जहां आधुनिक उपकरणों के माध्यम से भाषाओं को सिखाई जा रही है। आधुनिक उपकरण और भाषा शिक्षण, तो मन में यह प्रश्न उठता है कि प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है। इस भाषा प्रयोगशाला के पीछे उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो, नई तकनीक के माध्यम से, नई प्रविधियों के माध्यम से हिंदी शिक्षण को एक नया आयाम मिले। महात्मा गांधी संस्थान में हम केवल हिंदी भाषा को नहीं पढ़ाते हैं, उसका पठन पाठन तो होता है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अन्य जितनी भारतीय भाषाएं हैं, इस प्रयोगशाला के माध्यम से हम उनका भी विस्तार कर पाएंगे। फिलहाल अगस्त महीने से लेकर अभी तक भारत की ओर से दो कंसल्टेंट यहाँ आए हुए थे। उन्होंने महात्मा गांधी संस्थान के जितने एकेडमिक्स थे, अलग अलग विभागों के जो प्राध्यापक थे, उनको एक प्रशिक्षण प्रदान किया। उसके उपरांत महात्मा गांधी संस्थान के ही एक माध्यमिक स्कूल के बच्चे यहाँ आए, उनको भी एक बहुत बड़ा सुखद अनुभव हुआ इस भाषा प्रयोगशाला के प्रयोग से। और अभी हाल ही में एक सप्ताह पूर्व शिक्षा मंत्रालय की ओर से जितने हमारे वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं, सीनियर सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स सभी भाषाओं में, उनको भी बेसिक जो ICT स्किल्स हैं भारतीय भाषाओं में प्रदान की गई इसी पाणिनि भाषा प्रयोगशाला में। और साथ में शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो एक नई परियोजना चल रही है 9 ईयर स्कूलिंग वाली, उसमें अर्ली डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मैं हूँ यहाँ पर पाणिनि भाषा प्रयोगशाला जो कि महात्मा गांधी संस्थान में स्थित है, और इसी संस्थान के भाषा संसाधन केंद्र लैंग्वेज रिसोर्सेज सेंटर की पहल से एशियन लैंग्वेजेस के सभी इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स के लिए ICT की एक ट्रेनिंग दी गई खासकर आज, और जहाँ पर हिंदी, मराठी, उर्दू, अरबीक और तेलुगु, तमिल सभी इंस्पेक्टर्स थे यहाँ पर। उनको हमने थोड़े बहुत ICT का प्रयोग कैसे अपनी भाषा के साथ किया जा सकता है और अपने शिक्षण में अपने छात्रों को, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने शिक्षकों को बांट सके, उनके साथ साझा कर सके। तो मूल रूप से हमने फ़ॉन्ट की बात की और यूनिकोड फ़ॉन्ट की बात हमने की, वर्ड से लेकर पावर पॉइंट, और हमने यूट्यूब सर्च, गूगल सर्च कैसे करें, फ़ॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करें, और इसके साथ साथ हमने उनके मोबाइल पर कैलेंडर और ख़ासकर स्पीच टू टेक्स्ट वाले सुविधा को उन लोगों तक पहुँचाया। The fingers work slowly, yes. And you type hello, hello, etc. And then it takes you 5 minutes to type this message. Okay, Farhan. How are you? Where are you going?
अच्छा रहा, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहा ये, क्योंकि आज जो है ज़माना जो है प्रौद्योगिकी का है, चारों तरफ जो है संप्रेषण आदि करते हैं हम ऐसे उपकरणों के साथ जैसे मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट द्वारा हम जो है एक दूसरे को उससे संपर्क रखते हैं, इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम इस विषय से अवगत हों, इसको जानें और इसमें जो है अभ्यस्त हो जाएं, ताकि जो है हमारा संप्रेषण कार्य अधिक सरल और जल्दी से हो सकता है। हम जो संदेश भेजें वह अपनी भाषा में भी भेज सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम जो है अपनी भाषा को जान लें और किस प्रकार से जो है इन उपकरणों का प्रयोग करते हुए जो है हम अपनी भाषा में अपने संदेश भेज सकते हैं। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला। पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिनमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। ऐसे बड़े विद्वान का नाम इस तरह से नए उपकरणों से युक्त भाषा प्रयोगशाला के साथ जोड़ना भाषा और आधुनिकता के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। इन उपकरणों के माध्यम से जो भी व्यक्ति या छात्र भाषा सीखना चाहता है वह कंप्यूटर्स तथा उनके सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। वही काम जो पहले श्यामपट किया करता था आज माउस और स्क्रीन कर रही है। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला में 34 कंप्यूटर है, स्टूडेंट कंसोल प्रदान किए गए हैं और एक टीचर कंसोल है। यह जो एक हाईटेक तकनीक या हम कह सकते हैं लैबोरेटरी प्रयोगशाला हमें मिली है, इसमें कंप्यूटर के माध्यम से आप देखेंगे उसमें हेडसेट लगे हुए हैं, वहाँ एक स्टूडियो बूथ भी लगा है और एक इंटरैक्टिव बोर्ड भी है। इन सभी संसाधनों के चलते हमारे छात्र, चाहे वे प्राथमिक स्तर के हों, माध्यमिक के हों या उच्च स्तरीय छात्र हों, जब वे यहाँ आते हैं तो बैठे बैठे भारत की ओर से हमें एक पैकेज प्रदान किया गया है। काफ़ी कंटेंट हमें दिए गए हैं, कथ्य दिए गए हैं, सामग्री मिली है हिंदी में। इसमें आप देख सकते हैं, एक तो हमारे जितने स्वर व्यंजन है, अगर आप सही व्याकरण सीखना चाहें तो एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। बच्चे बैठे बैठे उनको सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और टीचर कंसोल अपनी जगह पर बैठकर एक ही समय पर एक छात्र से संपर्क रखता है। अगर अध्यापक देखना चाहे कि मान लीजिए 20 छात्र है तो पीछे वाला छात्र क्या कर रहा है, तो आसानी से केवल उसके साथ वह संपर्क रख सकता है। टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, माइक तो है ही दोनों के पास, बातचीत भी होती है और लगे हाथ उस कैमरे को देखकर ऐसा लगता है कि 1-to-1 कक्षा चल रही है। तो एक ही कक्षा में 1-to-1 कॉन्टैक्ट, ग्रुप वाइज भी टोलियों में काम हो सकता है और एक साथ पूरी कक्षा को भी संबोधित किया जा सकता है। साथ ही हमारे जो माध्यमिक छात्र होते हैं या उच्च स्तरीय छात्र हैं, वे जो साहित्य के प्रेमी हैं, तो साहित्य से संबंधित भी काफ़ी सामग्री हमें प्रदान की गई है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी कवि को जानना चाहते हैं तो आपको कवि का परिचय मिल जाता है, उसका पूरा साहित्य है इसमें। और साहित्य से अगर एक विशेष कविता भी आप सुनना चाहें तो कविता है, सबसे बड़ी बात है उस कविता को रिकॉर्ड भी कर दिया गया है। तो बच्चे अपनी गति से, अपने पेस से 4 बार 5 बार जितनी बार चाहें उस कविता का श्रवण कर सकते हैं और उस माइक के माध्यम से अपनी आवाज़ में उस कविता को बोल भी सकते हैं।
तो साहित्य का रसास्वादन भी हो जाता है और साथ में शिक्षण भी हो जाता है। ऐसी हाईटेक भाषा प्रयोगशाला का होना भाषा के छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है, कारण कि आज के आधुनिक युग में देशों के बीच में भाषा एक दीवार न रहकर एक वरदान जैसी बन गई है। अपनी मातृभाषा के अलावा एक और या अन्य भाषा को सीखने में आज की नई पीढ़ी रुचि दिखा रही है और संस्कृत भाषा के लिए तो ऐसी हाईटेक भाषा प्रयोगशाला अनिवार्य है। संस्कृत एक ध्वनि परक भाषा है। संस्कृत में ध्वनियों की बहुत विशेषता है। जब संस्कृत का उच्चारण होता है और यदि सही उच्चारण न हो तो अर्थ प्रेषित नहीं हो पाता, अनर्थ हो जाता है। अब तक हम लोग कक्षाओं के अंदर पाठ पढ़ाते आ रहे हैं और छात्रों को बार बार उच्चारण करवाते आ रहे हैं। यदि हम इस भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करें तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी एक समस्या, अपनी निजी समस्या अध्यापक तक अकेले ही संकेत कर सकता है। प्यारे दर्शकगण, यह थी एक झलक महात्मा गांधी संस्थान की पाणिनि प्रयोगशाला की। चलिए अब आपको रिजी में स्थित ओपन यूनिवर्सिटी में आप सभी को ले जाएंगे, जहां प्रेसिडेंट्स फंड फॉर क्रिएटिव राइटिंग ओपन यूनिवर्सिटी के सौजन्य से नाटक से जुड़ी हुई सृजनात्मक लेखन पर एक कार्यशाला चलाई गई, जहां भारत से आए डॉक्टर प्रकाश जोशी विशेषज्ञ रहे। प्रेसिडेंट्स फंड फॉर क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर में, जहाँ पे मैं चेयरपर्सन हूँ। और ये यूनिट खासकर जो मॉरिशस के लेखक होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनका काम आगे बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा है कि मॉरिशस के इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशंस में हमने बहुत से इवेंट्स रखे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत से आए हुए हैं डॉक्टर प्रकाश जोशी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो हरि सिंह गुर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश से आए हैं हमारे बीच। तो आज हमने ओपन यूनिवर्सिटी में भी एक कार्यक्रम रखा है जहाँ पे वो बात करेंगे ड्रामा पर, मॉडर्न ट्रेंड्स ड्रामा एंड डायरेक्शंस। इस लेक्चर का थीम है मॉडर्न ड्रामा ट्रेंड्स और डायरेक्शंस। हम ये एक्टिविटी प्रेसिडेंट्स फंड फॉर क्रिएटिव राइटिंग के साथ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इंग्लिश और फ्रेंच स्टूडेंट्स ड्रामा के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और डॉक्टर जोशी के द्वारा इंडियन ड्रामा, पोस्ट कॉलोनियल ड्रामा के बारे में जानें और अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाएं। ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुको ने डॉक्टर जोशी का सहृदय स्वागत किया। डॉक्टर प्रकाश जोशी से हमारी मुलाकात भी हुई थी और क्रिएटिव राइटिंग के बारे में हमने पूछा। रचनात्मक लेखन, अगर इसको हम हिंदी में कहें तो जो हम मानव प्रजाति है
वो जैसा साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, सबसे ज़्यादा रचनात्मक स्पीशीज़ है इस धरती पे, और इसी रचनात्मकता के कारण हम तरक्की किए हैं। कोई ज़माना था करोड़ों साल पहले, खरबों साल पहले रहा होगा, हम कहीं जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वहाँ से तरक्की करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम बात कर रहे हैं, हम कैमरा के सामने खड़े हैं, ये सब कुछ हमने अपनी रचनात्मकता की तरीके से उसके ज़रिए उसके रास्ते से लिया है। तो लेखन जो है वो भी रचनात्मकता का ही एक रूप है, दूसरा रूप है, बहुत सारे इसके रूप हो सकते हैं, लेखन रचनात्मक लेखन क्रिएटिव राइटिंग उसी का एक पार्ट है। क्रिएटिव राइटिंग है जो आप कल्पना करता है, जो आपके एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखना, यही है क्रिएटिव राइटिंग। मेरी दृष्टि के अनुसार ये एक बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ बनने का प्रोत्साहन होता है, कुछ करने की प्रेरणा होती है। तो सृजनात्मक लेखन के अनुसार हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं, और इसमें हम अपना इमेजिनेशन को भी सामने लाते हैं, साथ ही साथ हम अपने भावों को भी उभारते हैं। 1870s, that's the beginning. Gustav Friedrich in detail talks about construction of drama, the construction of scenes. देखिए, रचनात्मक लेखन के कई रूप हो सकते हैं। आप बहुत व्यक्तिगत पर्सनल हो सकते हैं, तो आप कविता लिखेंगे, आप कहानी लिखेंगे, लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं उसका अंततः जो उद्देश्य होता है वो आप जो महसूस करते हैं वो दूसरों तक पहुँचे, वो जो महसूस कर रहे हैं वो आप जो महसूस कर रहे हैं उन दोनों में कहीं जुड़ाव बने। अगर मैं आपकी लिखी हुई कविता या कहानी पढ़ रहा हूँ तो उसमें कहीं मैं अपने आप को देखूँ, आपकी कविता जो कह रही है उसमें जो महसूस हो रहा है उसको मैं भी महसूस करूँ, कहानी में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें कहीं मुझे महसूस हो कि कभी मेरे साथ कभी ऐसा हुआ। तो चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, आखिरकार इसका उद्देश्य ये होता है कि हम कम्युनिकेट करें, हम उसको लिखने वाले जो हैं वो सुनने वालों तक पहुंचाएं और पहुंचे। मानव सृजनात्मक लेखन के जरिए मानवता के स्तर को और ऊपर कर रहा है। सृजनात्मक लेखन में मनुष्य सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, दार्शनिक होने पर मजबूर हो जाते हैं, तथा अपने आप को पहचानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादा ढूंढने में तकलीफ न हो, हमने जोशी जी से सृजनात्मक लेखकों के नाम का उदाहरण देने के लिए कहा, तो आपने बताया, मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पिछले 35-40 साल का यही इतिहास है मेरा। तो जिन लेखकों को मैंने पढ़ा है, मेरा काम जो पीएचडी का मेरा काम है, डॉक्टरेट का, वो टेनेसी विलियम्स पे है। तो जिन राइटर्स को, ड्रामेटिस्ट को मैंने पढ़ा है, आप आधुनिक की बात कर रहे हैं तो टेनेसी विलियम्स को मैंने पढ़ा है, हैरल्ड पिंटर को पढ़ा है, टॉम स्टॉपर्ड को पढ़ा है, गिरीश कर्नाड को पढ़ा है, मेरे अपने देश के विजय तेंदुलकर को पढ़ा है, नमिता गोखले को पढ़ा है। नमिता गोखले अंग्रेजी में लिखती हैं। मॉरिशस हालांकि छोटा देश है, लेकिन विद्वानों का भंडार है। मॉरिशसीय लेखक अपने लेखन से मॉरिशस को विश्व स्तर पर और चमका रहे हैं, कई भाषाओं में लिखते हैं, इतिहास,
लोक संस्कृति जैसे कई विषयों को शब्द देकर पृष्ठ पर उतारते हैं। तो हमने जोशी जी से पूछा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मोशन लेखकों को, क्या सूचना, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के लायक इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि जैसा मैं पढ़ता रहा हूँ और लिखता भी रहा हूँ चुपचाप अपने तरीके से, लेखन रचनात्मक लेखन, ये कोई भी लेखक चाहे किसी भी विधि विधा में वो लिख रहा हो, वो जो अभिव्यक्त करता है वो अभिव्यक्ति उसको रचनात्मक बनाती है, अपने सोचने में, अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में, और यही रचनात्मकता हमारे उत्थान के लिए, हमारी जो मानव प्रजाति है उसके उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ मॉरिशस के राइटर्स के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी जो भी लिखेगा वो महसूस करके लिखेगा, और जो महसूस करके लिख रहा है तो वो जाहिर बात है कि तरक्की के लिए, सबके भले के लिए लिखने की कोशिश करेगा। ओपन यूनिवर्सिटी में यह सृजनात्मक लेखन की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें यूनिवर्सिटी के कई छात्र, नाटक तथा भाषा के कई छात्र उपस्थित हुए थे। सभी ने इस कार्यशाला की सराहना की और लेखन की दुनिया में एक नई दिशा मिलने का भी संकेत किया। मेरे लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें जो जिन्होंने इस कार्यशाला को आगे बढ़ाया, डॉक्टर जोशी ने, उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार आज के इस आधुनिक युग में नाटककारों को लिखते जाना है, और उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय और पाश्चात्य नाटककारों के बीच में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहा, क्योंकि जो समाज से आधारित, बहुत जो वास्तविकता से आधारित समस्याएं हो रही हैं उसको लेकर उन्होंने बहुत बल डाला। मैं स्टूडेंट हूँ ओपन यूनिवर्सिटी के, और मैं क्रिएटिव राइटिंग का मॉड्यूल कर रहा हूँ। इस लेक्चर बहुत अच्छा था, इनलाइटनिंग था, बहुत कुछ था उसमें जो मैं नहीं जानती थी, और बहुत कुछ था जो मैं अभी जानती हूँ। प्यारे दर्शकन, यहाँ पे हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ गए। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया। फिर से हमारी मुलाकात होगी, तब तक हमारी ओर से आप सभी को नमस्ते।